Hey lovelies, welcome और welcome back to my channel. Those who are new, hi, this is Musu. मेरे चैनल पर मैं बात करती हूँ फेमिनिन हाइजीन, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में. मैं प्रोडक्ट्स अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी करती हूँ, स्पेशली मीशो से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स की. सो आप अगर इनमें से किसी एक चीज़ में भी इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हो. देखो, सोप तो हम सब लगभग रेगुलर यूज करते ही है, बट क्यों ना उस पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा जाए. उसी नॉर्मल सोप में कुछ ऐसी चीज़ मिलाया जाए जिससे उसकी कंसिस्टेंसी से लेकर उसका बेनिफिट सब कुछ बढ़िया हो जाए और रिजल्ट तो आपको ही मिलनी है. सो व्हाई नॉट. वैसे भी ऐसे सोप्स रेगुलरली यूज करते करते हमारा स्किन लॉन्ग रन के लिए ड्राई हो रहा है और इसका अंदाज़ा हमें अभी तक नहीं है. बट इसी सोप से मैं जो आज बॉडी वॉश बनाऊंगी वो आपकी स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करेगी, बल्कि ये तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा. आपके स्किन से सन टैन, बॉडी मार्क्स को हटा के आपकी स्किन की नेचुरल ब्राइटनेस और ग्लो को फिर से वापस लाएगा. साइन देख रहे हो आप इसका? इतना ही साइन ये आपके बॉडी पे भी दे सकता है अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हो तो. बहुत से लोगों के सोप लिक्विड हार्ड हो जाते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैंने इस वीडियो में दिया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. इसके लिए मैंने यहाँ पर अपना ऑलरेडी यूज करा हुआ आधा आधा सोप ले रही हूँ. अभी मैं फिलहाल अपना एक DIY सोप यूज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो ये पड़ा हुआ है तो इसी से बॉडी वॉश को बना लेते हैं. अब भी अपना रेगुलर वाला सोप ही यूज करना. फिर इसको मैंने ग्रेड कर लिया है क्योंकि ये ऑलरेडी यूज सोप है तो इसलिए ये थोड़ा सॉफ्ट है. इसको ग्रेड करने के बाद मैंने लिया है एक कटोरी और उसमें मैं खौलता हुआ गर्म पानी डाल रही हूँ और उस पानी में ग्रेड किया हुआ सोप डाल रही हूँ. इससे आपका सोप अगर पूरा ना मेल्ट हुए तो आप इसको थोड़ी देर गैस पे भी चढ़ा के इसको मेल्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. फिर इसको हमने ढक्कन लगा के पूरी रात के लिए छोड़ देनी है. मैंने एक गलती कर दी, इसको मैंने पूरा 24 घंटे के लिए रख के भूल गई थी, बट थैंक गॉड कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया. अब जिन जिन का ये लिक्विड हार्ड हो जाता है वो अगेन इसको गैस पे चढ़ा के थोड़ी देर के लिए गरम करें. पूरा गरम नहीं करना है, बस थोड़ा गरम करना है, वरना फिर से आपको इसको जमने के लिए वेट करना होगा. और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी और डाल सकते हो. मुझे ये सब नहीं करनी पड़ी, मुझे बस थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इसको मिक्स करने में. आप चाहो तो इसको यहाँ पर ब्लेंड भी कर सकते हो, आसानी से कम टाइम में हो जाएगा. अब मेरी ये मिक्सचर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, तो अब मैं इनमें अपना इंग्रेडिएंट्स एक एक करके डालूंगी. पहले मैं डालूंगी 1 चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर, फिर मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, और फिर यहाँ मैं 1 से 1.5 चम्मच आलमंड ऑयल डाल रही हूँ. आप अपना कोई भी बॉडी ऑयल डाल सकते हो, चाहो तो ग्लिसरीन भी डाल सकते हो. अब फिर से मैं इन सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी. एक बार देखो जरा कितना प्यारा कलर आया है और कितना शाइनी है और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है. अब मैं 2 खाली बॉटल लूंगी. प्रेफर करना पाम वाले बॉटल को लेने की, वरना अगर मेरी तरह एक पाम वाला बॉटल और दूसरा नॉर्मल बॉटल है तो भी चलेगा. जब पाम वाले का ख़त्म हो जाएगा तब नॉर्मल से इसमें डाल देना. अब मैंने इन दोनों बॉटल में अपने बॉडी वॉश को डाल लिया है. अब यहाँ मैं इसको अपने लूफा में डाल के आपको दिखा रही हूँ, कितना फोमी बना है वो भी देख सकते हो. इससे आपकी स्किन से इम्प्योरिटी तो दूर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन से सन टैन को हटा के स्किन को ब्राइट भी करेगा. बस रोज इससे आपको स्किन को वॉश करना है, इट्स दैट सिंपल. तो ये था आज का वीडियो. आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है. अगर है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए. आपका अगर कोई भी क्वेरी और रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए. मैं आपको मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में. टिल देन लव योरसेल्फ, टेक केयर एंड बाय बाय.